गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? फाइन। इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 3.6। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज हियर। फार्मूलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम एज ए पेयर ऑफ इक्वेशन एंड हैंस फाइंड देयर सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज हियर। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। ओके, सो इट इज अ वर्ड प्रॉब्लम। सो वी फर्स्टली लेट द वेरिएबल। सो फर्स्ट स्टेप इज हियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट पार्ट इज हियर। फर्स्ट स्टेप, लेट द स्पीड ऑफ रोइंग इन द स्टिल वाटर बी एक्स किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द करंट बी वाई किलोमीटर पर आवर। ओके स्टूडेंट्स, एंड हियर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम। व्हाट इज डाउन स्ट्रीम? 20 किलोमीटर इन 2 आवर। डाउन स्ट्रीम इज हियर, इट इज अ वाटर फ्लो एंड हियर इज वाटर फ्लो एंड बोथ गो टू सेम साइड। ओके, बोथ गो टू सेम साइड, सो इट इज डाउन स्ट्रीम। इट इज अ डाउन स्ट्रीम एंड हियर बोट स्पीड इज एक्स एंड करंट स्पीड मीन्स वाटर फ्लो स्पीड इज वाई। सो एवरेज स्पीड इन डाउन, सो वाटर फ्लो सपोर्ट द बोट, सो एवरेज एक्स प्लस वाई बिकॉज वाटर फ्लो करंट इज सपोर्ट द बोट गो टू अदर साइड, सो एक्स प्लस वाई। सो हियर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी फाइंड द फर्स्ट डाउन स्ट्रीम। ओके, सो राइट द स्टेम ऑफ, इट इज नॉट नेसेसरी। ओके, सो राइट द स्टेप, स्पीड ऑफ रोइंग डाउन स्ट्रीम। ओके, डाउन स्ट्रीम इक्वल टू एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ओके, बिकॉज एक्स प्लस वाई बिकॉज सपोर्ट द बोट। ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हियर वी नो दैट इन क्वेश्चन 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर इज डिस्टेंस एंड 2 आवर मीन्स टाइम। ओके, सो वी यूज द फार्मूला टाइम। ओके, स्पीड आवर या टाइम। ओके, सो फार्मूला इज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, यू नो दैट दिस फार्मूला, सो वी यूज द फार्मूला एंड स्पीड इन डाउन स्ट्रीम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन डाउन स्ट्रीम, सो स्पीड इज एक्स प्लस वाई इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू 20 किलोमीटर अपॉन टाइम इज 2। सो हियर 2 × 2 = 10, सो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, इट इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, अगेन नाउ अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। ओके, इन अप स्ट्रीम सो स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, सो वी राइट द स्टेप, स्पीड ऑफ रोइंग अपस्ट्रीम इक्वल टू अपस्ट्रीम मीन्स यू नो अपस्ट्रीम वाटर फ्लो गो टू दिस साइड। ओके, एंड बोट गो टू अदर साइड, सो वाटर फ्लो रिड्यूस द स्पीड ऑफ बोट बिकॉज बोट गो टू दिस साइड मीन्स राइट टू लेफ्ट एंड वाटर फ्लो इन लेफ्ट टू राइट, सो वाटर फ्लो अपोजिट टू बोट, सो रिड्यूस द स्पीड ऑफ बोट। सो हियर एक्स इज बोट स्पीड मीन्स स्टिल रोइंग स्पीड एंड करंट इज वाई स्पीड, सो बट बोट गो टू अनदर प्लेस, सो स्पीड ऑफ बोट मीन्स रोइंग स्पीड इज ग्रेटर एंड वाटर फ्लो इज स्पीड इज स्मॉल, सो हियर अप स्ट्रीम इन डिफरेंस बिटवीन एवरेज स्पीड मीन्स डिफरेंस एक्स माइनस वाई बिकॉज
what both go to another place. So x is greater. So average speed x minus e opposite side, y is opposite side, so minus y. So average speed x minus y kilometer per hour. Okay, so now according to question here same formula, speed equal to distance upon time, and speed is x minus y, and distance is here, upstream distance is 4 kilometer, and time is same 2 hour. So cut, so x minus y equal to 2. It is equation number 2. So by equation 1 and 2, okay, so 1 is x plus y equal to 10, second is x minus y equal to 2. So by the elimination method you solve this question. So it is homework, remaining question is homework, so do yourself. Okay, so it is incomplete question, you solve this question. Okay, in homework, it is homework. Okay, students, find the value of x and y and get the answer. Okay, so here x equal to 6 is answer and y equal to 4 is answer. So you find the answer. It is homework. Thank you. Next question is, okay students, second question is here in exercise 3.6. question number second is here, two women and five men can together finish the embroidery work in 4 days. Will three women and six men can finish it in 3 days? Find the number taken by one woman along to finish the work, and also date taken by one man along. Okay, so here students, we find the time taken by one woman, okay, complete the work, finish the work, and one man time taken by finish the work. So here firstly we take the variable, and variable is let the time taken by one woman by equal to x days and time taken by one man equal to y days. Okay, so first take the variable, one woman equal to x days and one man equal to y days. Okay, and here we know that one woman complete the work 5 days. Okay, so one day work is 1/5, because one work and total work is complete in 5 days. So one day work is 5 go to in other side in 1 upon form. So one answer is one day equal to 1/5 work. So here we find the every, means one woman in one work day, one man is one work day. Okay, so start means first line is here, you write the first line, one woman's one day work is, one woman complete the work x days, so one day work is 1/x. Okay, total number of day in divide form, so in it is one day work. Okay, and similar, one man one day work is 1/5. Okay, so according to question, students, you write the this 4 step, because it is very compulsory, because you know about concept. Okay, so examiner thinks you know about concept, so you write the 4 step. And according to question, here question is, two women and five men together with finish the work in 4 days. Okay, so women and five men is here. So work of two women, one woman means 1/x, so two women means 2/x. Okay, and together means 8 karna hai, and five men means one man is 1/5, so five men is 5/y equal to 1/5, and here is 5/y equal to together work
एंड ही इट इज वर्क इज वन डे, इट इज वर्क इज वन डे, सो वन डे टाइम मीन्स वन अपॉन फोर, टोटल वर्क इन कंप्लीट टूगेदर विथ फोर डेज, सो वन डे वर्क इन टूगेदर वन बाय फोर. ओके, डेज कम ऑन अप डिवाइड फॉर्म, सो वन अपॉन फॉर्म इज हियर, सो इट इज वन डे टू वुमेन वर्क, इट इज फाइव मेन वन डे वर्क टूगेदर विथ, सो वन डे वर्क इज वन बाय फोर बिकॉज फोर डेज कंप्लीट द टूगेदर. ओके, सो इट इज इक्वेशन नंबर वन. नाउ अगेन नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हियर विल थ्री वुमेन्स एंड सिक्स मेन्स फिनिश वर्क इन थ्री डेज. ओके, सो थ्री वुमेन्स वर्क इज थ्री बाय एक्स इन वन डे टूगेदर विथ सिक्स मेन मीन्स वन डे वर्क ऑफ सिक्स मेन सिक्स बाय वाई इक्वल टू टूगेदर कंप्लीट द वर्क इन थ्री डेज, सो वन डे वर्क इज वन बाय थ्री, सो इट इज इक्वेशन नंबर टू. ओके, सो यू सॉल्व इक्वेशन वन एंड टू बाय द रिड्यूसिंग देम. ओके, वी लेट द न्यू वेरिएबल, टेक द न्यू वेरिएबल एंड सॉल्व द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स एंड वाई. ओके, सो यू नो दिस टाइप क्वेश्चन सॉल्व मेथड, सो सॉल्व हियर. लेट हियर वन बाय एक्स इज हियर एंड नेक्स्ट इक्वेशन वन बाय एक्स इज हियर, सो वी टेक द न्यू वेरिएबल, लेट पी इक्वल टू वन बाय एक्स एंड क्यू इक्वल टू वन बाय वाई, सो इक्वेशन इज टू पी प्लस फाइव क्यू इक्वल टू वन बाय फोर एंड राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, सो फोर गो टू अदर साइड, इट इज डिवाइड, सो इट गो टू अदर साइड इन मल्टीप्लाई, सो फोर मल्टीप्लाई विथ पी एंड क्यू मीन्स फोर मल्टीप्लाई विथ टू पी मीन्स एट पी प्लस फोर मल्टीप्लाई विथ फाइव क्यू मीन्स ट्वेंटी क्यू इक्वल टू वन. ओके, इट इज इक्वेशन नंबर थ्री. एंड अगेन नाउ नेक्स्ट इक्वेशन इज थ्री पी प्लस सिक्स क्यू इक्वल टू वन बाय थ्री, राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, सो थ्री गो टू अदर साइड इन मल्टीप्लाई, सो थ्री मल्टीप्लाई विथ थ्री नाइन पी प्लस थ्री मल्टीप्लाई विथ सिक्स एटीन क्यू इक्वल टू वन, इट इज इक्वेशन नंबर फोर. तो सॉल्व द इक्वेशन थ्री एंड फोर बाय एनी मेथड मीन्स रिड्यूसिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड बाय एलिमिनेशन मेथड, सो वी सॉल्व द एलिमिनेशन मेथड. ओके, तो बाय एलिमिनेशन मेथड एलिमिनेशन मेथड. ओके, सो हियर हियर इक्वेशन थ्री इज एट पी ट्वेंटी क्यू इक्वल टू वन एंड हियर इज नाइन पी प्लस एटीन क्यू इक्वल टू वन, सो वी मेक द कोफिशिएंट ऑफ पी आर इक्वल. ओके, सो मल्टीप्लाई द इच अनदर मल्टीप्लाई द इक्वेशन थ्री विथ नाइन बिकॉज वी मेक द कोफिशिएंट इक्वल. ओके, सो नाइन मल्टीप्लाई इक्वेशन थ्री, सो आंसर इज हियर सेवेंटी टू पी प्लस नाइन मल्टीप्लाई विथ ट्वेंटी, सो वन हंड्रेड एटी क्यू इक्वल टू नाइन मल्टीप्लाई विथ वन मीन्स नाइन. ओके, एंड हियर एट मल्टीप्लाई द इक्वेशन फोर मीन्स नाइन पी प्लस एटीन क्यू इक्वल टू वन, सो हियर सेवेंटी टू पी प्लस एट जा सिक्सटी फोर एंड सिक्स एंड एट वन जा एट एंड वन फोर्टी फोर क्यू इक्वल टू नाइन एट इंटू वन एट. ओके, सो हियर टू इक्वेशन इज हियर. ओके, सो हियर टू क्वेश्चन सॉल्व द नेक्स्ट पेज. ओके, सो हियर ओके हियर क्वेश्चन इज सॉरी इक्वेशन इज हियर 72 p plus 180 q equal to 9 and 72 p plus 144 q equal to 8. Okay, so
we subtract them because 72 is p and 72 is p both in positive, so we make the negative and change the symbol. So here positive, so change symbol negative, and here is positive, so change the symbol negative, and here is 8 is positive, so change the symbol negative. Okay, so positive negative means it is cut, and subtract the 180 minus 144, so 36 q equal to 9 minus 8 means 1, q equal to 1 by 36. Okay, we put the value of q in equation 3. Okay, so put the value of q in equation 3. Okay, equation 3, put the value q. So 8p plus 20 multiply 1 by 36. Okay, here is 36, 1 by 36. Okay, so equal to 1 and cut by 4. 4 5 ja 20 and 4 9 ja 36. 8p plus 5 by 9 equal to 1, and remove the 9. So remove the 9, so we multiply the other side, means other numbers. So 9 multiply the 8, 72p plus, here is 5, so 9, so 5 is 5, and 5 9 go to other side, 1 means 9 multiply with 1, so 9, and remove, here is 9, yahan pe 9 remove ho gaya, 72p equal to 9, 5 go to other side in minus, so 4, 72p, p equal to 4 by 72, 4 1 ja 4, 4 and 8 times 32. Okay, so p equal to 1 by 18. Okay students, so here q equal to 1 by 36 and p equal to 1 by 18. So here p equal to 1 by 18 and q equal to 1 by 36. So we let the variable p 1 by x, so 1 by 18, and q equal to 1 by y, so 1 by 36. So convert in reciprocal, so x equal to n, so according value is also reciprocal, so 18, and y equal to 36. So here value of x is 18 and y equal to 36. So write the answer. Right answer the therefore one woman can finish the work equal to 18 days, and one man can finish work equal to 36 days. Okay student, so it is answer. Okay, अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार इस क्वेश्चन को देख ले, वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा. थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, थर्ड क्वेश्चन रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय द ट्रेन एंड पार्टली बाय बस. सी ट्रेक्स 4 आवर इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस. इफ सी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस. सी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर. फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड बस सेपरेटली. ओके स्टूडेंट, सो हियर रूही ट्रेवल by bus and train. Okay, and we find the speed of train and bus. So let first step is let the variable for bus and train, speed of bus and train. Okay, so write the first step. So step is here, let the speed of train be x kilometer per hour and speed of bus be y kilometer per hour. Okay, according to question, रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर टू होम पार्टली बाय द ट्रेन एंड बस. टोटल डिस्टेंस इज 300 किलोमीटर. ओके, बट सी टेक्स 4 आवर
She travels 60 kilometer, only 60 kilometer by train. Okay, so 60 kilometer by train. It is a first according to question and remaining by the bus. Okay, so here we use formula according to time, because given time, total time is 4 o'clock. Four hour is total time is here. So we find the time, and time formula is here, distance upon speed. Okay, you know formula of time, distance upon speed. Okay, so according to question, distance is 60 kilometer and speed is 60 kilometer by train. So speed is x. So 60 by x is, it is time for taking by train plus 8 karna hai isme hame, time taken by bus. So distance is by bus, travel by bus. So 300 total and remaining means 60 minus 300 minus 60, and speed is y. So total time taken 300 minus 60 by y, and equal to total time is both the vehicles 4, so equal to 4. अगर आपका ट्रेन का जो टाइम है और बस का जो टाइम है, अगर उन दोनों को प्लस कर दें तो टोटल टाइम जो लगा वो आपका आ जाएगा. तो हमने इसको भी टाइम के फॉर्म में चेंज किया, इसको भी टाइम के फॉर्म में चेंज किया और इक्वल बता दिया टाइम के फॉर्म में. तो हियर 60 बाय एक्स एंड हियर इज माइनस 60 मीन्स 240 बाय वाई इक्वल टू 4. इट इज इक्वेशन नंबर 1. अगेन नेक्स्ट, नाउ अगेन नेक्स्ट स्टेप is here. Next, according to question is here, 100 kilometer by train. She travel 100 kilometer by train. So time taken by train 100 by x and remaining by bus means 200. 300 minus 100 means 200 by y is time taken by bus, and total 10 minutes longer means after 4 hour plus 10 minutes. Okay, so here next according to question is here, 100 by x plus 300 minus 100 by y equal to 4 plus 10 minutes. Okay, 4 hour and 10 minutes. So here 100 by x and 200 by y equal to 4 hour. Okay, it is hour, and convert the minute in hour. So 1 hour means 60 minutes. Okay, so 1 minute equal to means convert in minutes. So it is relation. So it is small unit and convert in greater units. So we divide. So 160. So it is a hour. Okay, and cut the zeros zero. So here 100 by x, 200 by y, and solve the this equation 4 plus 1 by 6. So we know that take the LCM and solve the in rough work. So here is 6 and 224 plus 1 is 25 by 6. Okay, so you write the directly 25 by 6 because you solve the in rough. Okay, 4 plus 1 by 6. Okay, next here it is equation number 2. So by equation 1 and 2, equation 1 and 2 is here 60 by x, 240 by y equal to 4, and here 100 by x plus 200 by y equal to 25 by 6. Okay, and we convert the simplest equation, so remove the 6 and 6 in divide form. So go to other side in multiply. So 6 go to in multiply means both the numbers. Okay, so 6 multiply with 100 means 600 by x plus 6 go to multiply with 200 means 1200 by y equal to 25. Okay, this equation solve in simplest form, and let next solve by the reducing them and take the new variable. So here let the p 1 by x and q equal to 1 by y. So equation is first is
60p plus 240q equal to 4. It is equation number 3. And next one is convert by this. So 600p plus 1200q equal to 25. It is equation number 4. Okay. You solve the remaining question, okay, in homework. Okay, sir. The remaining question solve in homework. Or find the value of P and Q and X and Y, okay. So, student, the बच्चे ये आपको होमवर्क में करना है और आपको पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करके के बाद एक्स और वाई की वैल्यू भी फाइंड करनी है, ठीक है. तो आपकी एक्स की वैल्यू 60 आ जाएगी और वाई की वैल्यू 80 आ जाएगी, ओके. एंड हमने जितने भी क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए हैं, जितने भी आपको समझाए हैं, उसी तरह के क्वेश्चन हैं, आप उनको सॉल्व करें. और इन सारे क्वेश्चन जितने भी हमने वीडियो बनाए उन सारे क्वेश्चन को फेयर कॉपी में लिखें, अपनी फेयर कॉपी कंप्लीट करें और सिमिलर क्वेश्चन दिए हैं उनको सॉल्व करें, प्रैक्टिस. फिर भी बाय द वे अगर आप कॉल करते हैं और आती है तो उसको आप स्कूल नंबर पर भेज दें तो हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दें. थैंक यू वेरी मच.